हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर ग्रामर की बात किया जाए तो ग्रामर अगर आप लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो है मैंने आप लोग के, वैसे ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं लेकिन उस वीडियो में मैंने आप लोग के पर्टिकुलर वही टॉपिक्स बताए हैं जो आप लोग के NIOS के एग्जाम में आते हैं ग्रामर के। और उस एक वीडियो में मैंने आप लोग के पूरा का पूरा ग्रामर कवर कर लिया है, सारे फॉर्मेट समझा दिए, हर एक चीज़ समझा दिया है, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ आप लोग की उसमें कवर होती है। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। अगर लिटरेचर की बात किया जाए तो इस वीडियो में मैं आप लोग को लिटरेचर बताने वाली हूँ। इंग्लिश लिटरेचर का मतलब ये है कि आप लोग की जितनी भी स्टोरीज होती हैं, स्टोरी वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, आप लोग के क्वेश्चन आंसर्स, वो यहाँ पर मैं सारे इंपॉर्टेंट आप लोग को बताने वाली हूँ। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, दोबारा से बता रही हूँ, ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए वीडियो है। अगर आप लोग क्लास 10th के हैं तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट भी लगा दिया है, उसमें आप लोग को अपने सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आप लोग का अपलोडेड नहीं है वीडियो, तो अपना सब्जेक्ट जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, व्हाट कैन इंडिया बी प्राउड ऑफ इन द मैटर ऑफ विंड एनर्जी। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हो तो याद आ गया होगा, चैप्टर नंबर 5 फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, इस चैप्टर से जो है ये क्वेश्चन आया है विंड एनर्जी का, कि इंडिया में एक तरह से व्हाट कैन इंडिया बी प्राउड, इस चीज़ में मतलब किस चीज़ में इंडिया को प्राउड होना चाहिए इन द मैटर ऑफ विंड एनर्जी। तो उसका आंसर है, इंडिया हैज़ द वर्ल्ड ओनली मिनिस्ट्री फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इंडिया इज ऑल्सो द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी, ठीक है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो ये आंसर आप लोग अपने कॉपी में या तो नोट कर लीजिए या फिर अपना स्क्रीन शॉट भी आप लोग ले सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्टेट इन इंडिया हैव अबंडेंट विंड एनर्जी। इसका आंसर है हमारा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला हैव द अबंडेंट विंड एनर्जी। ये सारे आप लोगों के एक ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें हैव अबंडेंट विंड एनर्जी है। इसके बाद आता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु डिड द ऑथर्स मदर ब्लेम फॉर हर सन्स ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस से आप लोग को चैप्टर याद आ सकता है, अगर आप लोग ने पढ़ा होगा, माई सन विल नॉट अ बेगर बी, ये आप लोग का चैप्टर था जिसमें से ये वाला क्वेश्चन आया है आप लोग का, जिसमें बेट्स था उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, आई होप आप लोग को याद होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है, हु डिड द ऑथर्स मदर, मतलब कि जो ऑथर की मदर थी, बेट्स की जो मम्मी थी, वो उसकी ब्लाइंडनेस को लेकर किसको ब्लेम करती थी। तो उसका आंसर है, द ऑथर्स मदर ब्लेम समथिंग इन हर पास्ट फॉर हिज ब्लाइंडनेस, शी कॉल्ड इन द फैमिली पंडित एंड कंसल्टेड हिम, द पंडित रीड हिज हैंड एंड हिज मदर्स फॉर हेड, ही सजेस्टेड दैट बाय इंटेंसिव प्रेयर एंड डूइंग पेनेंस एंड आई साइट कुड बी रिस्टोर्ड। अच्छा, मतलब एक तरह से यहाँ पे आप लोगों ने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो याद आ गया होगा, उसकी मम्मी को क्या रहता था कि यार लगता है हमारे पिछले जन्म में हमने कुछ पाप करे हैं या हमसे कुछ गलती हो गई है जिसकी वजह से वेट्स की जो है आंखों की रोशनी चली गई। तो उस चीज़ को लेकर वो अपने फैमिली पंडित से भी उन्होंने कंसल्ट करा था, हकीम्स के पास भी गई थी, बहुत सारे सुरमा वगैरह भी अप्लाई करा था। चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता होगा आपको ना। उसके बाद आता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू द गर्ल्स हैव नो चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ये आप लोग का रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग नाम से एक चैप्टर था, उसमें जो है ऑथर के हिसाब से लड़कियों का चाइल्डहुड नहीं होता, व्हाई डू द गर्ल्स हैव नो चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू द ऑथर के हिसाब से लड़कियों का बचपना नहीं होता। तो इसका आंसर है, गर्ल्स आर इंगेज इन डोमेस्टिक वर्क फ्रॉम वेरी टेंडर एज, मतलब छोटी सी उम्र में उनसे काम वगैरह करवाया जाता है, देयर वर्क इज लिमिटेड टू डोमेस्टिक सेटिंग्स दैट लीव्स देम विद नो टाइम टू प्ले, सो दे हैव नो चाइल्डहुड। तो उसके बाद आता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 3 रीजंस व्हाई तेंगू वाज नो अफेयर ऑफ एनीथिंग। तेंगू आप लोग का टाइगर इन द टनल वाला चैप्टर जो था उसमें तेंगू कैरेक्टर था, बलदेव एंड तेंगू फादर और सन की जो पूरी स्टोरी थी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, तेंगू वाज नॉट अफेयर एज देयर वॉज नो टाइगर नाउ इन द फॉरेस्ट एज इट हैज बीन किल्ड बाय हिज फादर, उसके पापा ने उस टाइगर को मार डाला था। सेकेंड कि द फॉरेस्ट गॉड्स वर प्लीज्ड, सी है ही हैड हिज फादर्स एक्स, मतलब कि उसकी जो कुल्हाड़ी थी उसके फादर की वो अब उसके पास थी जिसकी वजह से वो अब नहीं डरता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट वॉज ईजी फॉर द पोएट
to choose between the two roads. Road से आप लोगों को याद आ गया होगा, road not taken chapter जो था उसमें उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं जिसमें वो confused हो जाता है. तो यहाँ पे वही चीज़ पूछी जा रही है कि आपके हिसाब से मतलब आप लोग का क्या सोचना है, क्या ये poet के लिए आसान था दो रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना. ठीक है, तो इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा? No, it was not an easy decision for the poet. The attraction of both the roads was the same. मतलब दोनों ही रास्तों का जो अट्रैक्शन था, आकर्षण था, वो दोनों का ही सेम था. The attraction for the both roads was the same. He was the lone traveler there and he stood there long and took his own time to decide which way to go. वहाँ पर पूरी पोएम आप लोग की उसी के ऊपर है कि आप वो पोएट जाता है जंगल में, दो रास्ते आते हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है क्योंकि दोनों ही रास्ते अपनी अपनी जगह अच्छे थे, अट्रैक्टिव थे. और वो एक अकेला ट्रैवलर था तो वो ऐसा भी नहीं था कि कोई दूसरा बंदा हो तो भाई तू इधर चला जा, तू इधर, मैं इधर चला जाता हूँ, तो ये चीज़ भी नहीं हो सकती थी. तो ऑब्वियसली उसके लिए ये डिसीजन काफ़ी टफ था, मुश्किल था कि वो दो रास्तों में से कोई एक रास्ता चुन सके. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द वेस्ट यूजुअली डंप. वेस्ट से रिलेटेड पूछा जा रहा है, वेस्ट हमारा यूजुअली कहाँ पे डंप किया जाता है. दिस वेस्ट इज़ यूजुअली डंप इन द फ्रंट ऑफ क्लिनिक और इन स्ट्रीट कॉर्नर, इसका आंसर है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट आर्ग्यूमेंट डज द ऑथर पुट इन द फेवर ऑफ टीवी. ठीक है, कौन सी ऐसे आर्ग्यूमेंट है जो कि फेवर में है, टीवी के फेवर में, ठीक है, अगेंस्ट नहीं, टीवी के फेवर में. तो उसका आंसर है आप लोगों का, द ऑथर टॉक अबाउट द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ टीवी, इट इज अ मैजिक कारपेट टेकिंग अस टू ऑल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. टीवी की मदद से हम दुनिया का हर कोना देख सकते हैं. राइट, एजुकेशनल एंड इंटरेस्टिंग फिल्म्स आर टेलीकास्ट ऑन द टीवी, इट इज अ गुड मीडियम ऑफ एजुकेटिंग वन सेल्फ. ठीक है, आपका पूरा आंसर है इसका, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज सुनील गावस्कर बॉर्न. चैप्टर 1 से हमारा ये क्वेश्चन है, सुनील गावस्कर जो हमारे क्रिकेटर थे वो कब पैदा हुए. सुनील गावस्कर बॉर्न ऑन July 10, 1949. ठीक है, ये आप लोग का उनकी डेट है पैदा होने की. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज स्पॉइल्ड द मूड ऑफ आराधना. आराधना वाला चैप्टर आप लोग का कौन सा था, आई मस्ट नो द ट्रूथ. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आराधना का मूड जो है किसने स्पॉइल किया था. यहाँ पे आंसर है, आंट प्रमिला स्पॉइल आराधनास मूड. शी टोल्ड हर ब्लंटली दैट शी हैड डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड शी वाज नॉट अ रियल बट एडॉप्टेड डॉटर ऑफ सुनीता. मतलब कि सुनीता की एडॉप्टेड डॉटर है ये. दिस रिलेवेशन हर्ट आराधनास फीलिंग, और जिसकी वजह से आराधना का मूड बुरी तरह स्पॉइल हो गया था, उसकी फीलिंग हर्ट हो गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज सुनील गावस्कर हैड क्रिकेट इन हिज ब्लड. सुनील गावस्कर के हिसाब से उनके रगों में क्रिकेट था, उनका कहना था मेरे खून में क्रिकेट है. तो इसका आंसर क्या है, गावस्कर फादर वॉज अ गुड क्लब लेवल क्रिकेटर, ही टॉट हिम द फाइनर पॉइंट ऑफ द गेम एंड इंकरेज हिम द डिस्कस द गेम फाइनर पॉइंट्स. हिज अंकल माधव मंत्री हैड ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 4 टेस्ट मैचेस. तो एक तरह से उनका फैमिली बैकग्राउंड ही पूरा क्रिकेट से था, तो वो भी एक तरह से उनका ये कहना था कि मेरी रगों में क्रिकेट है, मेरे खून में क्रिकेट है. ठीक है, उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है सीधा, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज अप फॉर अ प्राइज इन मैचेस दैट गावस्कर प्लेड इन चाइल्डहुड डेज. तो मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जब बचपन में वो क्रिकेट मैचेस वगैरह खेला करते थे तो उनका प्राइज क्या होता था. आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, लास्ट में ये चीज़ बताई हुई है सेक्शन 2 में, कि जब गावस्कर खेलते थे तो उनका एक समझ लो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था उनका और उनकी टीम का, कि हम जब जीते या जो सी भी टीम जीते तो उसे ट्रॉफी मिले. तो ट्रॉफी क्या होती थी, 1 रुपी 50 पैसा का जो है स्मॉल वाइट मेटल कप, ये लोग पैसा कलेक्ट करके लेकर आते थे कि जो क्रिकेट के बाद जो टीम जीती उसको वो एज अ ट्रॉफी दी जाएगी. तो इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा, द ट्रॉफीज मेड ऑफ वाइट मेटल कप्स वर अप फॉर द प्राइज, दे यूज टू कलेक्ट मनी टू परचेज देम, दे कुड बाय देम फॉर अ स्मॉल सम ऑफ रुपीज 1 रुपी 50 पैसा, बट दे क्रिएटेड ट्रिमेंडियस इंटरेस्ट. मतलब उनका बहुत इंटरेस्ट था ट्रॉफीज वगैरह में. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डू ब्यूटीज डांस. हाउ डू ब्यूटीज डांस आप लोग का चैप्टर नंबर 2 से ये क्वेश्चन आया है कि ब्यूटीज कैसे डांस करती हैं. इसमें आप लोगों को क्या लिखना है,
पोएट की थिंकिंग क्या है, चैप्टर टू में लाइशा और जो चैप्टर था आप लोगों का उससे ये क्वेश्चन आया है. देयर इज अ लॉट ऑफ ब्यूटीज इन नेचर. टॉल ट्रीज सीम्स टू बी डांसिंग इन द ब्रीज. द बजी बीज डांस इन द एयर एंड द राइजिंग वेव्स ऑफ द सी ऑल्सो सीम्स टू बी डांसिंग. द रिपेंट फ्रूट हैंगिंग फ्रॉम द ट्रीज ऑल्सो स्वांग इन द ब्रीज. मतलब कि पोएट के हिसाब से हवा चल रही है तो पेड़ लहरा रहे हैं, तो उनके हिसाब से जैसे पेड़ डांस कर रहा है, नदी का पानी ऐसे वेव उसमें निकल रही है तो एक तरह से नदी का पानी डांस कर रहा है, तो उनके हिसाब से वो नेचर उनका जो देखने का नज़रिया था वो पूरा चैप्टर में आप लोगों ने समझा होगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट ग्रेट वर्क डिड द चाइल्डलेस कपल अंडरटेक. कौन सा ग्रेट वर्क जो है चाइल्डलेस कपल ने एक तरह से अपनाया था. वो चाइल्डलेस कपल कौन थे, थिमक्का एंड बिकालू चिकैया. चैप्टर नंबर 3 आप लोग का जो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन आया है थिमक्का और बिकालू चिकैया का, कि क्योंकि वो चाइल्डलेस कपल थे, उनका कोई भी बच्चा नहीं था, तो उन्होंने बनियान ट्रीज लगाई थी. रिमेंबर, बनियान ट्रीज लगाई थी उन्होंने, वो उनके बच्चे थे, उनको पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया था. ओके, द चाइल्डलेस कपल डिसाइड टू प्लांट सम 300 बनियान ट्रीज अलोंग द 3 किलोमीटर स्ट्रेच ऑन द नेशनल हाईवे. ठीक है, तो उन्होंने ये काम एक तरह से अंडरटेक किया था कि हम जो है बनियान ट्रीज लगाएंगे, वो हमारे बच्चे होंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द एयर इन द ग्रैंड मदर्स हाउस डिस्क्राइब्ड एज फ्रोजन. ग्रैंड मदर हाउस कौन सा है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस वाला चैप्टर ही है वो. ठीक है, इसका आंसर है, द हाउस इज एब्सोल्युटली साइलेंट, नो वन लिव्स देयर, इवन द एयर डज नॉट सीम टू बी मूविंग, सो इट हैज बीन कॉल्ड फ्रोजन. वो कमरा, वो ना जो उसकी ग्रैंड मदर का घर था, वो उसकी वहाँ की हवा को फ्रोजन क्यों बताया है, फ्रोजन मतलब जमा हुआ, क्योंकि वो घर इतने सालों से बंद था, वहाँ कोई रहता नहीं था, तो वहाँ अंदर जाके ऐसा लगता था कि वहाँ की हवा भी रुक चुकी है, वहाँ की हवा भी बंद हो गई है, वहाँ कहीं हवा आती जाती नहीं फील हो रही है. ठीक है, जैसे होता है ना काफ़ी सालों से कोई घर बंद रहे, जब हम उसके अंदर जाते हैं तो ऐसे लगता है बंद बंद है, सब कुछ स्टैचू हो गया है. ठीक है, तो वैसी वाली फीलिंग को जो है फ्रोजन कहा गया है, तो वही इसका आंसर हुआ, व्हाई इज द एयर इन द ग्रैंड मदर्स हाउस डिस्क्राइब्ड एज अ फ्रोजन. तो इसका आंसर ये हो गया, आप लोग लिख सकते हो. तो टोटल हमारे 15 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं. इसके अलावा हो सकता है पार्ट टू वीडियो भी आप लोगों के लिए ले आऊँ, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा पार्ट टू वीडियो भी. ठीक है, अभी मैं और भी क्वेश्चन इसके लेकर आऊँगी आगे के चैप्टर्स के. तो आप लोगों का एक तो ग्रामर 3 वीडियो आप लोगों की कंपलसरी है, ये 3 वीडियोस अगर आप लोगों ने देख लिया तो आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को बैठ के 2-2 घंटा 3-3 घंटा पूरी पूरी रात बैठ के तैयारी नहीं करनी पड़ेगी. ये कुछ वीडियोस में आप लोगों के पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. अगर आप लोग को और डिटेल में समझना है कि सारे चैप्टर अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं बाई चांस, तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट लगा दी है जिसमें मैंने लाइन टू लाइन पूरा चैप्टर समझाया है आप लोग को. ठीक है, मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंग्लिश क्लास 12 नाम से जो है NIOS का वीडियो आ जाएगा, वहाँ पे लाइन वाइज आप लोग के सारे चैप्टर आप लोगों को मिल जाएंगे. वहाँ पे आप बस प्लेलिस्ट ऑन करिएगा, लाइन वाइज आप लोग को चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 सारे मिल जाएंगे. आप लोग अपना चैप्टर आराम से समझ सकते हैं. ठीक है, और भी किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता कर जाइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी पार्ट 2 वाली, ग्रामर वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा. मतलब एक तरह से ये पार्ट 2 हुई और इसके बाद वाली वीडियो आप लोग की पार्ट 3 हो गई. ठीक है, तो चैनल पे नहीं हुए तो फटाफट से चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर जो है NIOS से रिलेटेड चाहे टाइम टू टाइम अपडेट्स हो, ठीक है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे एडमिशन से रिलेटेड हो या जितनी भी NIOS की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है आप लोगों की. साथ ही साथ आप लोग की एग्जाम की तैयारी भी कराई जाती है. मेरी ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप लोग को अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होने के लिए, जहाँ पर मैं आप लोग को लाइव पढ़ाऊँगा. इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के बगल में बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तब तक जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुँच जाए. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.